क्या बोल रहे यार, मेरे को फोन दे, तो सुबह बात करेंगे आराम से तसल्ली से। तो मैंने बेकारी बच्चे नीचे सुलाए फिर। तो 15 दिन से भी तो वहां तेरे साथ ही था यार, कर रहे थे ना हम बातचीत। ठीक है, 15-20 दिन बाद भी बच्चे आए, कोई मतलब नहीं क्या तुम्हें? बच्चे कहाँ? लेकिन बच्चे नीचे सो रहे हैं, मेरे दादी के पास मैंने भेजे, मैंने तो वहां सो जाओ आज। क्यों? कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, अपने अपने घर पे सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे। और मैं जिम्स का स्वागत करता हूँ आप लोगों का अपने चैनल जिम्स का। भाई आज जो है ना, 15 दिन बाद, ऑलमोस्ट 15 दिन बाद मैं आपकी परजाई जी के साथ अपने घर पहुंचा हूँ, ठीक है। और मैंने सोचा है क्यों ना आज किसी से कोई बातचीत ना करे बिना, अर्थात बीबी को फुल्ली इग्नोर किए और हम चुपचाप सो जाते हैं, ठीक है। तो प्लान बहुत धांसू है, क्योंकि आज मैं मेरी वाइफ को टोटली इग्नोर करने वाला हूँ उसके ससुराल से लाने के बाद, ठीक है। और इग्नोर करेंगे और देखेंगे इस इग्नोरिंग के रिएक्शन कैसे आते हैं, क्या पछतावा होता है उनको अपने आने का इधर, या नहीं होता है, व्हाटएवर जो भी है, ठीक है। वीडियो में बहुत मजा आएगा, तो वीडियो को फिलहाल अभी से लाइक कर लो, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, पहले आइकन को प्रेस कर लेना ताकि मेरी बाकी के वीडियोस का नोटिफिकेशन आप लोगों को वैसे मिल जाए। और फिलहाल हम कैमरा वैमरा अपना सेट करके चुपचाप चुपचाप सो जाते हैं और देखते क्या होता है। A few moments later. मैं तो 2-2 बजे सोती थी, यहाँ देखो कितनी जल्दी सो गए हैं। इधर तुम इधर देख, खड़ो ना जरा। क्या है यार, सोने सोनी दे, मुझे एक बात बताना। मतलब मैं 15-20 दिन बाद घर आई हूँ, मतलब तुम्हारा मन भर गया क्या मेरे से? क्या बकवास कर रही है यार, ना कोई बातचीत ना कुछ, कुछ भी बोलना नहीं, कुछ भी बात नहीं करनी, कुछ मतलब ही नहीं, आए हो खाए और सो गए हो। मैंने रास्ते पर सारे टाइम बात ही कर लिया ना तेरे से आते में, अब थक रहा हूँ यार, नींद आ रही है यार। थक रहे हो? एक तो बताओ, मैं भी थक रही होती हूँ घर में काम करके, मैं नहीं थक रही होती क्या? तो तू सो जाना, तेरे को किसने मना किया है क्या? मैं तो सो ही रही हूँ, तुम वहां जब तुम बाहर गए थे रात के 2-2 बजे तुम सो रहे थे, यहाँ तो मैं बड़ी जल्दी 2 की जगह 9 बजे नींद आ रही है। अबे साले, बाहर होता है इंसान तो लेट, हाँ बाहर होता है, बाहर क्या, अब तक घर में तुम्हारे को इतनी बोरियत लगती है यार? तेरे को क्या प्रॉब्लम है, तेरे को क्या चाहिए? टीवी देख ले आराम से। मुझे टीवी नहीं देखना ना। क्या देखना है फिर? से ना हो पाएगा, फोन से ही बोर हो गई, टीवी से ही बोर हो गई। क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए मुझे, तू सो जाओ। हद हो गई, पागल है? नहीं कुछ चाहिए, सो जाओ। तो फिर सो ही रहा था, सोने दे। तो मतलब तुम बाहर 2 बजे सोते थे, आज यहाँ पर तुम्हें 9 बजे नींद आ रही है? अपना घर है, अपना बेड है, रिलैक्स मिलता है, सो रहा हूँ उसमें क्या दिक्कत है? तो रिलैक्स मिलता है, ठीक है। 15-20 दिन बाद भी बच्चे आए, कोई मतलब नहीं क्या तुम्हें? बच्चे कहाँ? लेकिन बच्चे नीचे सो रहे हैं, मेरे दादी के पास मैंने भेजे, मैंने तो वहां सो जाओ आज। क्यों? समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? क्यों का मतलब, क्यों क्या मतलब क्या होता है? अरे क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है तेरे को? तुम सो जाओ, अब सो जाओ। तो पहले क्या कर रहा था मैं? क्या हो गया, हुआ क्या बताओ? मैं कितने दिन बाद आई हूँ? 15 दिन। 15 दिन बाद आई हूँ ना, तो मतलब तुम्हारे को कोई मतलब नहीं होता मेरे से? अरे कहना क्या चाहते हो? कोई बातचीत नहीं, कोई कुछ नहीं। कुछ नहीं मतलब? अबे साले, मेरी एक्टिंग मत करो। मतलब कहना क्या चाहती है तुम्हें? अच्छे समझ में नहीं आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है।
क्या समझ में नहीं आ रहा, क्या बोल रहे यार, मेरे को सोन दे, तो सुबह बात करेंगे आराम से तसल्ली से। तो मतलब मैंने बेकारी बच्चे नीचे सुलाए फिर? तो 15 दिन से भी तो वहाँ तेरे साथ ही था यार, कर रहे थे ना हम बातचीत। अकेले थोड़ी रह रही थी तुम, बच्चे नीचे क्यों सुलाए? मुझे तो एक पर क्या पता था बच्चे से पहले तुम सो जाओगे। क्या हो गया? पर बुला ले उनको, यहाँ पे सो जाएंगे। यार हद होती है सच में, तुम ना बेशरम बन चुके हो। हद होती है हद। तुम सच्ची बता रही, पहले जैसे रहे नहीं हो। पहले तो 2 दिन में मेरे बिना नहीं रहा जाता था। इतनी प्यारी प्यारी बातें करते थे, 2 दिन में बाहर में आई हूँ, इतनी प्यारी प्यारी बातें करते थे, अब तो बात ही नहीं करते हो। 15 दिन में ही बात ही नहीं कर रहे हो। मत सुनेगी मेरी, प्यारी का तो बात ही अलग है। हद हो गई। आया आदमी ऑफिस से, खाया, खा के यहाँ पड़ गए, बताओ। ओ भैया पहले की बातें कर रही है, नई नई शादी की। यही तो बात होता है, नई नई शादी में ही सब कुछ होता है। अबे अब इन सब चीजों के लिए टाइम नहीं है, काम धंधा करना होता है भाई, बंदा उसमें भी थकता है। सही बात है, किसी ने सही कहा है, नई नई शादी में ही सब कुछ होता है। पुरानी होती चली जाती है ना शादियाँ, तो आदमी भी पुराना होता चला जाता है, बुढ़ा हो जाता है, उसके सारे जज्बात मर जाते हैं। क्या मर जाते हैं? फीलिंग्स मर जाती हैं सारी। नहीं वही वाला बताना, क्या मर जाते हैं? शट अप, सो जा बेबी, चुपचाप नीचे। अब हमारी फीलिंग मर गई है, तुम्हारी फीलिंग बड़ी उछल रही है। लेकिन तभी मैंने बच्चे नीचे सुलाए थे ना, मुझे क्या पता था कि बुढ़ा हो गया आदमी मेरा। क्या बदतमीजी है, हैं? क्या बदतमीजी है, ऐसा भाषण देने के लिए उठाया मेरे को? नींद आ रही है, सो रहा हूँ, क्या दिक्कत हो गई? उठे मत मेरे को, बुढ़ापा आ गया तुम्हारे अंदर, बुढ़ापा आ गया। तो कितना बेशरम आदमी है, कितना बेशरम आदमी है, सच्ची में हद हो गई है। यार क्या है तेरी परेशानी, नीचे जाके सो जा ना। मतलब नीचे भी जाके सो जाऊं? तो मुझे फोन दे यहाँ पे, सो जा के ले। मुझे लाए क्यों थे तुम? काम धंधा कौन करेगा यहाँ पे, बर्तन है, कपड़े हैं, ये हुई ना, तुम को काम धंधे के लिए लेकर आए हो ना। कौन करेगा? सही बात है बेटा, इसलिए लाए थे, इसलिए बोल रहे थे 15 दिन हो गए अब चल, बहुत दिन हो गए अब चल। वहाँ तो भाई पूरा घर गंदा पड़ा था, उसको साफ नहीं करवाएंगे क्या? मैं कल फिर जा रही हूँ। कल की कल देंगे। रोक सको ना तो रोक लेना, अभी मेरे बच्चों की छुट्टी 15 छुट्टी और बच गई है, 15 छुट्टी वहीं बिता कर आऊंगी अब मैं, देख लेना। तो अब करना जो करना। सुनो मेरी बात, कल निकलेगी ना यहाँ से तो 11-12 बजे के आसपास निकलेगी। एक वो मेरे आज के जो कपड़े गंदे वो धो जियो, झाड़ू लगा दियो यार, पोछा झाड़ू कर दी, हफ्ते 10 दिन चल जाएगा यार। काम वाली भाई समझ रखा है, अपने घर का काम है इसमें क्या? हाँ काम तो सब काम के लिए हूँ मैं। तो काहे के लिए है? यार सच्ची में पागल आदमी से शादी हो गई है, मुझे पता नहीं। मजा आया, भाड़ में जाओ, समझ आ गई है ना? साले इधर की वो आइटम मेरे पास में, फिर देखना तुम। मेरा दिमाग खराब है, मैं आवेल मुझे मार करूं, थोड़ी लकड़ी उठा के ले लो, बकवास करवा लो बस। मैं बीवी के पास जो जावे उड़ता तीर ले गए, शांति से सो रहा हूँ मैं, सोन दे मुझे शांति से, जाके शांति के पास ही सो जाओ ना। शांति शांति बड़ा ओल्ड नेम हो गया अभी मुझे, जो है ना
मुझे शांति की कामना है, कामना, मैं अपनी सारी कामनाओं को पूरा करना चाहता हूँ। इतना शोर हो रहा है अभी, तो 10 बजे बच्चे नीचे भेज दिए हैं क्या? ए रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं, सुके। मैंने क्या बोला कि आदमी 9 बजे सो गया आज? 10:38 हो रहे। सबर नहीं इधर का जरा सा भी? 12 बज रहे थे कम से। अरे यार सो जाओ, अब मेरा दिमाग मत चाटो अब। चल ठीक है, गुड नाइट रोशन। अरे सो जा, सुन ले मेरी बात, वो बैटरी लो हो जाएगी मेरे कैमरे की, वो बंद करके सो जा। कैमरा वहां से दिख रहा है हैंगर का, वो हैंगर दिख रहा है जो कपड़े लटके हुए हैंगर में। मेरा मुंह पे कहाँ देख रही है, उधर जा रहा हूँ मैं, वो जो हैंगर पे कपड़े लटक रहे हैं। उसको बंद कर दे, उसकी बैटरी लो हो जाएगी। सो जा भी आधे घंटे रेस्ट। वीडियो बना रहे थे है? मतलब तुमने मेरे फलूदा कर दिया, मेरा फलूदा कर दिया। मेरी बात सुने, तुमने जो किया ना आज। अबे मेरी बात सुन, मेरी सुन, मेरी बात सुन। मैंने बस इतना बोला था कि गाइस आज जो है मैं 15 दिन बाद अपनी वाइफ के साथ अपने घर में आया हूँ, और आज किसी से कोई बातचीत नहीं करनी, चुपचाप सो जाना है, सबको इग्नोर मार के। बस इतना ही बोला था तो मैं सो गया था। तो तुमने कैमरा भी लगा दिया, तो क्या करूँ? मैं क्या देखूँ तो सही, इग्नोरिंग प्रैंक कैसा होता है। ये साला इग्नोरिंग कम रोमांस प्रैंक। यार सच्ची में मेरा फलूदा कर रहा है। सर बैठ जाओ, गेम खेलते हैं, एक टेकन थ्री का मैच खेलते हैं। बेटा तुमसे ना हो पाएगा, खेले मैच। अबे साले टेकन थ्री का, टेकन थ्री का मैच खेल। बंद तो कर दे, मैं नहीं कर रही। तो जब रहती